Rudy? जी हाँ भाइयों बहनों, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, और इसी दुख को निवारण करने के लिए मैं आज मंच पर आया हूँ। एक बार जोरदार तालियां। इस कुछ खास के मंच पर आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मुझे ईको चाहिए भाई साहब। देखिए इस बार मुझे बेस नहीं चाहिए भाई साहब, ईको चाहिए। ईको समझ रहे ना। म्यूजिक की बात करते हैं आज हम। हर बार हम मिमिक्री की बात करते हैं, आज हम म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक का एक दौर था। अंकल जी नमस्कार, आपको मद्देनजर रखते हुए कुछ लेकर आया हूँ। एस डी बर्मन साहब ने सुना होगा आपको, मतलब आपने सुना होगा उनको। एस डी बर्मन साहब, उनका एक अलग अंदाज था, पहले के सिंगर्स का एक अलग अंदाज था, पता लगा लेते कि यहाँ जी कौन सिंगर है। आज भी है, लेकिन मैं कुछ उसी उन्हीं चुनिंदा सिंगर्स को ले रहा हूँ, जैसे एस डी बर्मन साहब। और माही ओ मेरा माही, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मा ओ मेरे माही, दे दे उधार मेरे माही है उस पार। और माही ओ मेरा माही। ये था एस डी बर्मन साहब। एस डी बर्मन साहब का दौर गया, दौर आया मुकेश जी का। मुकेश जी का कोई सा भी गाना ले लो आप, एक ही टोन में चलता है। उनका सैड सॉन्ग ले लो, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। उनसे कहा रोमांटिक गाना गा के दिखाओ, तौबा ये मत वाली चाल। तो उनका टोन एक जैसा था। उसके बाद एस डी बर्मन साहब गए, मुकेश जी गए। मुकेश जी के बाद एक दौर और आया हमारे आर डी बर्मन साहब का। आर डी बर्मन साहब वाला थे जैसे उन्हें खांसी हो गई, वेलकम करने वाला, ये उनका गाने में मिल जाता था। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल तुम काम का। आर डी बर्मन साहब ने कहा भाई दवाई वाई ले लो, गले मुझे लग रहा गड़बड़ है। आर डी बर्मन साहब का दौर गया। आर डी बर्मन के साथ बाद किशोर दा भी आए, रफ़ी साहब भी आए, पर उनको इंक्लूड नहीं करूँगा, उनकी सिंगिंग अलग थी। जिनकी अलग सिंगिंग की मैं उनकी बात करता हूँ। उसके बाद सब्बी कुमार आए, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रबा रबा। सुना है ना, जो उनका दौर गया। फिर आए मोहम्मद अजीज साहब। मोहम्मद अजीज की अलग कहानी थी, दूसरा है जमाना वो पहला नहीं, कितने मंजनू मगर एक लैला नहीं, एक लैला नहीं। अजी इसीलिए तो कहा है, ए मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, ए मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर कहीं वफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं वफा तो नहीं। फिर उदित नारायण साहब, जानम देख लो, वो हंसते रहते थे, मिट गई दोरियां, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद किशोर हमारे कुमार शानू आए। कुमार शानू की कहानी अलग थी। कुमार शानू का एक टोटका था, टोटका समझते हैं ना, वो टोटका कहीं भी लगा देते थे। हे उनका हे चलता था हर गाने में। जब म्यूजिक डायरेक्टर को समझ में नहीं आता था, वहाँ हे लगा देते थे। कुमार शानू दा, जो शानू दा को कोई भी गाना दे दिया, भाई ये म्यूजिक नहीं मिल रहा है स्टार्टिंग का, तो कुछ लगा दो इसमें, वो लगा देते थे। हे पता लगता किशोर, मतलब कुमार शानू, यार किशोर दा बहुत आ रहे हैं, बहुत सुना है उनको। तो शानू दा की ये एक आदत थी।
उनको अगर मान लीजिए किसी भी हीरो का गुस्सा दिखाना होता, जैसे सुनील शेट्टी साहब थे, उनका अगर गुस्सा दिखाना होता था तो हे 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 ला ला ला, गाने की शुरुआत करनी थी, गाना शुरुआत में म्यूजिक नहीं मिल रहा, भाई देख लो तुम अपने हे हे लगा दो कहीं भी तो चालू है ना, पाए लिया हो उनसे क्या, थोड़ा म्यूजिक बीच में नहीं मिल रहा है तो बीच में गाना ला 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 ला। तो ऐसे थे कुमार शानू हमारे। कुमार शानू का एक दौर गया, फिर आए हमारे अरिजीत दा। अरिजीत की तो पूरी दुनिया दीवानी है। लास्ट में मैं फिनिश करना चाहता हूँ अरिजीत सिंह के साथ। हाँ चलिए, बात बीच में सोनू दा की आ गई, मैं वैसे भूल गया। सोनू दा की भी एक अलग बात थी, मैं थोड़ा पसीना पोंछ लूँ, वो क्या इस गर्मी में लीक हो रहा हूँ, मैं अभी जाऊँगा पंचर वाले पे चेक करा रहा हूँ लीक क्यों हो रहा हूँ। तो सोनू दा वो बात भी करते थे ना, हर म्यूजिक है तुम्हारी, म्यूजिक है वो, म्यूजिक है ना म्यूजिक, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जरूर आ जाएगा। जैसे मैंने एक गाना गाया, इस गाने सुनो, दिल की खताबे है क्या मुझको गिलावे है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया बे है क्या। तो ऐसे गाना है, ऐसे गाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने गाना गाया था, और भी गाने लेते हैं मेरे, जैसे ला 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 ला, अब मुझ रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। तो ऐसे कुछ गाने हैं, अगर ऐसे गाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। ये थे सोनू कुमार जी। सोनू निगम के साथ मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ अरिजीत सिंह जी के। तो अरिजीत सिंह का दौर जो था, उन्होंने गाना गाया, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है ते मेरा होना हूँ मैं है मेरा, इतनी भी हो दूरियाँ फिलहाल है, ये दूरियाँ फिलहाल है। थैंक यू सो मच, आपने सुना, एंजॉय किया, थैंक यू सो मच।